हेलो एवरीवन, मेरा नाम सपना है और मेरी पोइट्री यही रेप जो आए दिन हो रहे हैं इसी पे लिखा है। कुछ ज़्यादा कुछ बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ पर क्या बोलूँ कुछ समझ नहीं आता। लो फिर एक बेटी सूली चढ़ गई, लो फिर एक बेटी सूली चढ़ गई, दरिंदों के हाथों फिर से मर गई। लो फिर एक बेटी सूली चढ़ गई, दरिंदों के हाथों फिर से मर गई। फिर मोमबत्तियाँ सरेआम जलाई जाएंगी, फिर मोमबत्तियाँ सरेआम जलाई जाएंगी, फिर जोर जोर से आवाज़ें लगाई जाएंगी। मगर किसी के ऊपर रत्ती भर फर्क ना पड़ेगा, मगर किसी के ऊपर रत्ती भर फर्क ना पड़ेगा, शैतान एक दिन फिर घर से बाहर निकलेगा। फिर किसी लड़की की इज्जत लूटी जाएगी, ये घटना रोज दोहराई जाएगी। फिर किसी लड़की की इज्जत लूटी जाएगी, ये घटना रोज दोहराई जाएगी। इंसाफ की बातें बस कहने भर की ही रह जाती हैं, इंसाफ की बातें बस कहने भर की ही रह जाती हैं। इस दुनिया में मुझे कोई भी बेटी महफूज नज़र नहीं आती। राम मंदिर पर चर्चा हर किसी से करवा लो, राम मंदिर पर चर्चा हर किसी से करवा लो, मगर सीता रोज लुट रही है, जरा इस पर भी तो नज़र डालो। कब तक पेट्रोल डीजल बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाने पर ही चालान काटा जाएगा? क्या बलात्कारियों का सर धड़ से अलग कभी नहीं हो पाएगा? कोई बताए कि इंसाफ कैसे किया जाता है, कोई बताए कि इंसाफ कैसे किया जाता है, और रेप करने वालों को आखिर कौन सा लाइसेंस दिया जाता है? अब भी किसी ना किसी लड़की की इज्जत लूटी जा रही होगी, अब भी कहीं किसी ना किसी लड़की की इज्जत लूटी जा रही होगी, अब भी कहीं कोई माँ इंसाफ की गुहार लगा रही होगी। बलात्कार तो अब जैसे आम हो गया है, बलात्कार तो अब जैसे आम हो गया है। अरे एक लड़की की इज्जत ही तो लुटी है, कौन सा कोई बड़ा बवाल हो गया है? बिकी हुई मीडिया के बिके हुए कारनामे हैं, बिकी हुई मीडिया के बिके हुए कारनामे हैं, इन्हें तो बस मसाला चाहिए, वो तो फिल्म जगत की दुनिया से ही आने हैं। इन्हें तो बस मसाला चाहिए, वो तो फिल्म जगत की दुनिया से ही आने हैं। जरा पूछो उस माँ से, जरा पूछो उस माँ से, जरा पूछो उस माँ से उसके दिल पर क्या बीती होगी, जरा पूछो उस माँ से उसके दिल पर क्या बीती होगी। अपनी बेटी का नंगा अनुचा बदन देखकर आखिर एक पिता ने कैसे आंखें मीची होंगी? उस भाई के दिल पर क्या गुजरी होगी, उस भाई के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उसने अपनी ही बहन को एक सफेद कफन उड़ाया होगा। उस भाई के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसने अपनी ही बहन को एक सफेद कफन उड़ाया होगा। राखी बांधी थी जिस हाथों पर उसकी बहन ने, राखी बांधी थी जिस हाथों पर उसकी बहन ने, बहुत चीखा होगा जब उन हाथों से अपनी बहन की इज्जत भी ना बचा पाया होगा। क्या उसका खून नहीं जलता होगा, क्या उसका खून नहीं जलता होगा, और अपनी बहन के कातिलों को मार देने का उसका कोई हक नहीं बनता होगा? जिस भारत को महान कहते कहते हमारी जुबान नहीं थकती है, जिस भारत को महान कहते कहते हमारी जुबान नहीं थकती है, बहुत शर्मिंदगी होती है ये बोलते हुए कि इसी भारत में रोज न जाने कितनी बेटियां ऐसी दर्दनाक मौत मरती हैं। किसी की जीप काट दी जाती है, किसी की जीप काट दी जाती है तो किसी को बुरी तरह नोचा जाता है, किसी की जीप काट दी जाती है तो किसी को बुरी तरह नोचा जाता है, किसी के सरिया डाल देते हैं तो किसी को जिंदा जला दिया जाता है। ये सोचते हुए ही मेरी रूह कांप जाती है, ये सोचते हुए भी मेरी रूह कांप जाती है, कैसे होते हैं वो हैवान जिन्हें ऐसा करते हुए शर्म तक नहीं आती है। कब तक, कब तक ये सिलसिला आखिर यूं ही चलेगा, और कितनी लड़कियों को, और कितनी लड़कियों को ऐसे ही मरना पड़ेगा? जब कोई गलत तरीके से छूता है, जब कोई गलत तरीके से छूता है तो उसे वहीं मार दिया जाए, जब कोई गलत तरीके से छूता है तो उसे वहीं मार दिया जाए। बस इतना सा हक, बस इतना सा हक हिंदुस्तान में रहने वाली हर बेटी को दिया जाए। शुक्रिया।